कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के भुज के एरिया में एक रोड शो पर निकले हुए थे। लोग उनके लिए चिल्ला रहे थे और बीजेपी के झंडे लहरा रहे थे। जब ऐसा ही दौरा प्राइम मिनिस्टर ने तमिलनाडु में किया तो उनको ये नजारा देखने को मिला। नरेंद्र मोदी अधर्मी पो। गुजरात तमिलनाडु, गुजरात तमिलनाडु, गो बैक मोदी, गुजरात तमिलनाडु। जनता बीजेपी से खासा नाराज दिख रही है। क्यों? क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत काले झंडों के साथ किया गया और ट्विटर पर हैशटैग गो बैक मोदी ट्रेंड हो रहा है? क्यों है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी तमिलनाडु जाते हैं तो पुलिस को इतना डर रहता है उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में, और ये इसके बावजूद कि 20 सालों में पहली बार तमिलनाडु के इलेक्शंस में बीजेपी ने सीट्स जीती। इनफैक्ट अपने इतिहास में बीजेपी ने तमिलनाडु के इलेक्शंस में बस दो बार ही सीट जीती है, पहली बार 2001 में और अब 2021 में। 2006, 11 और 16 के इलेक्शंस में बीजेपी को मात्र शून्य सीट्स मिली थी, हाँ जीरो। तो क्यों है कि तमिलनाडु के लोग बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद नहीं करते? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने तो ये तक कहा था कि बीजेपी अपने बलबूते पर एक भी सीट नहीं जीत सकती। इस चीज को समझने के लिए आपको तमिलनाडु के इतिहास में जाना होगा, और ये इतिहास शुरू होता है 220 साल पहले। बस एक चीज याद रखना कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप में से 25% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, तो एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आपके लिए। अंग्रेजों से आजादी मिलने से कई साल पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन चल रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया का एक ऐसा इलाका था जहां आज के साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 19वीं सदी की स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग्स इंडियन आदमियों के लिए खोली थी। इन पोस्ट के लिए कई इंडियन आदमियों ने अप्लाई किया, और इन एप्लीकेशन में एक अजीब चीज थी, अंग्रेजों ने ये नौकरियां मोस्टली तेलुगु और तमिल ब्राह्मण लोगों को दी। अब क्योंकि ब्राह्मण समाज में ज्यादा एजुकेशन थी और उनकी अंग्रेजी भी बेहतर थी, इसलिए उनको ये नौकरियां मिलना आसान था। मद्रास प्रेसिडेंसी के 75% तहसीलदार ब्राह्मण थे। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास के 93% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी ब्राह्मण थे। इसके बावजूद कि मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण की पॉपुलेशन बस 3.2% थी। अब जब कई तमिल लीडर्स कांग्रेस के पास गए कंप्लेन करने के लिए कि देखो क्या चल रहा है हमारे समाज में, उन्होंने देखा कि कांग्रेस के लीडर्स बस आजादी के बारे में ही सोच रहे थे और समाज की दिक्कतों के बारे में नहीं। जैसे 1892 में तमिल लीडर अयोति थस एक कांग्रेस मीटिंग में गए इसकी मांग करने के लिए कि दलित को हिंदू मंदिरों में एंट्री दी जाए, पर इसकी बजाय उन पर चिल्लाया गया और उनको बोला गया कि दलित को शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस कास्टिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए ही 1916 में एक जस्टिस पार्टी बनाई गई। उस समय ये जस्टिस पार्टी एक इकलौती पार्टी थी जो कांग्रेस को टक्कर दे सकती थी, पर जस्टिस पार्टी के लिए अंग्रेज ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी एक समस्या थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मोस्ट नेता भी ब्राह्मण ही थे। कुछ नॉन ब्राह्मण नेता जरूर थे कांग्रेस में, जैसे ईवी रामासामी, जिनको बुलाया जाता है पेरियार, और जो द्रविडियन मूवमेंट के एक मशहूर लीडर बने। 1925 में पेरियार ने कहा कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्योंकि वो पार्टी एक ब्राह्मण पार्टी ही है। नाम है शूद्र है, पापड़क दासी मग है, तीनपड़ादव है, अपनीगर अंद ईव निलेले निकरो। और उन्होंने जस्टिस पार्टी में शामिल होने से भी मना कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि जस्टिस पार्टी कास्ट के खिलाफ इतना लड़ नहीं रहे। इसी वजह से उन्होंने अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करी। इस मूवमेंट का उद्देश्य था मद्रास प्रेसिडेंसी के उन समाजों को आत्मसम्मान देना जिनके खिलाफ अभी तक अंग्रेज और कांग्रेस भेदभाव कर रहे थे। पेरियार की इस मूवमेंट को समझने के लिए एक सेंटेंस ही काफी है, जब उन्होंने कहा था कि उनकी मूवमेंट में ना कोई भगवान होगा, ना धर्म, ना गांधी, ना कांग्रेस और ना ब्राह्मण। वो भगवान के बिल्कुल खिलाफ थे और रैशनैलिटी को प्रमोट करते थे, जिस वजह से ही उन्होंने हिंदू धर्म की किताबें पब्लिक में जलाई। पर पेरियार के एक्शंस कई बार एक्सट्रीम थे, जैसे भगवान राम का पुतला जलाना या फिर भगवान गणेश की मूर्ति तोड़ना। कई बार पेरियार ने पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी को अटैक किया और ना कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को। डॉक्टर अंबेडकर की तरह वो ये भी मानते थे कि इंटर कास्ट शादियां एक बहुत अच्छा हथियार है कास्टिज्म को हराने के लिए, इसीलिए वो तमिल लोगों के लिए एक नई पहचान बनाना चाहते थे, एक ऐसी पहचान जो कास्ट या फिर धर्म पर निर्भर ना हो बल्कि तमिल भाषा और उनके कल्चर पर। जैसे पेरियार ने कहा कि उनकी मूवमेंट का उद्देश्य है कि नॉन ब्राह्मण्स को
गर्व हो अपने द्रविडियन इतिहास के बारे में, इसीलिए उन्होंने ऐसी शादियां प्रमोट करी जिनको उन्होंने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट शादियां। इन शादियों में जो पंडित होते थे वो संस्कृत में मंत्र नहीं पढ़ते थे बल्कि तमिल में। परियार मानते थे कि पंडितों को क्या जरूरत है ऐसी भाषा में बोलना जिसको लोग समझते भी नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें क्या जरूरत है उन पंडितों की जो भगवान से बात करते हैं आग के जरिए। इस वजह से उन्होंने शादियों की भाषा भी बदली और रस्म रिवाज भी। फिर 1934 में परियार ने डिसाइड किया कि वो जस्टिस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उन्होंने उस पार्टी का नाम भी बदल दिया, क्योंकि परियार तमिल्स को एक नई पहचान देना चाहते थे। वो एक चीज के बिल्कुल खिलाफ थे कि तमिल्स को मजबूरन हिंदी सीखनी पड़े। जैसे सी राजा गोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहा जाता था, वो 1950s के दौरान मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, और क्योंकि कांग्रेस ने कमिटमेंट दी थी कि वो हिंदी को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे इंडिपेंडेंस के बाद, राजा जी ने ऐलान किया कि मद्रास के स्कूल के बच्चों को हिंदी सीखनी ही होगी। पर कई तमिल एक्टिविस्ट ये मानते थे कि इस निर्णय की वजह से सबसे ज्यादा फायदा होगा तमिल समाज के ब्राह्मण्स का, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों के दौरान ब्राह्मण्स का सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि वही अंग्रेजी जानते थे। पर अगर अब भाषा हिंदी बनाई जाए जिसको कई नॉन ब्राह्मण्स नहीं जानते तो इस बार भी फायदा बस ब्राह्मण समाज का ही होगा। इस वजह से आज भी तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ आपको कई प्रदर्शन मिलेंगे, और ये हम इतिहास में भी देख सकते हैं। जैसे 1953 में कांग्रेस की सरकार ने ये ऐलान किया था कि वो एक शहर कल्लाकुड़ी का नाम दालमियापुरम रखेंगे राजस्थान के एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रामकृष्ण दालमिया के ऊपर, पर एक 29 साल का नौजवान इस चीज के खिलाफ था। वो नौजवान अपने साथियों के साथ उस जगह पहुंचा विरोध करने के लिए। उन्होंने नारे लगाए और दालमियापुरम पर काला पेंट भी लगा दिया। वो अपने साथी के साथ रेलवे ट्रैक्स पर लेट गए ताकि कोई ट्रेन हिले ना। बाद में इन सभी लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और जब वो जेल से बाहर निकले वो एक पॉलिटिकल हीरो बन गए। திருவாரூர் தொகுதியில் தேமுக தலைவர் கருணாநிதி மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளார், जो बाद में जाकर तमिलनाडु के 5 बार चीफ मिनिस्टर बने। अब चाहे पेरियार के विचार बहुत पॉपुलर थे मद्रास में, पर उनका इंडिविजुअल सपोर्ट कम हो रहा था। जैसे 1949 में उनके कई फॉलोअर्स जैसे सीएन अन्नादुरई ने डिसाइड किया कि वो पेरियार की पार्टी को छोड़ देंगे। ये हुआ जब पेरियार ने डिसाइड किया कि वो एक नौजवान लड़की के साथ शादी करेंगे और उन्होंने अपनी बीवी को पार्टी का लीडर बना दिया पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स की बजाय। अन्नादुरई जैसे लोगों ने फिर एक नई पार्टी बनाई DMK। पेरियार की तरह DMK का भी यही मानना था कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट तमिल लोगों की इतनी परवाह करती नहीं, जिस वजह से उन्होंने कई बार एक्सट्रीम आइडियाज के बारे में भी सोचा। जैसे 1962 में DMK के लीडर अन्नादुरई ने राज्यसभा में एक डिबेट के दौरान ये कहा कि साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस से बहुत अलग हैं और उनको कई समय से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस वजह से उन्होंने मांग करी द्रविड नाडु की, जो एक दूसरा देश होगा साउथ इंडियंस के लिए। ये द्रविड नाडु की मांग पॉपुलर करी थी पेरियार ने, पर ये मांग ज्यादा पॉपुलर हुई नहीं। इसके दो कारण थे। पहला कि इसके बारे में तमिल एरियाज में तो बात करी जा रही थी पर तेलुगु कन्नड़ा या फिर मलयालम एरियाज में नहीं, और दूसरी समस्या थे जवाहरलाल नेहरू, जब उन्होंने एक लॉ बनाया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज और नेता जो इंडिया से आजादी की मांग करेंगे उनको पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। पर तमिलनाडु की लीडर्स के बीच ये भावना बनी रही कि कांग्रेस की सेंट्रल सरकार उनके बारे में परवाह नहीं करती। जैसे तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट को 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया प्रेसिडेंट्स रूल के थ्रू 1976 और 1991 में। अब आजादी के 20-30 साल बाद कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर रही तमिलनाडु की राजनीति में, पर उसके बाद उन्होंने सपोर्टिंग रोल ही निभाया। जैसे जहां कांग्रेस का वोट शेयर 1967 के इलेक्शंस में था 41%, वो गिरकर हो गया बस 4% 2021 में, और तमिलनाडु की राजनीति लोकल हो गई DMK और AIDMK। जिस पार्टी को बनाया था पॉपुलर तमिल एक्टर MGR ने, जो एक समय DMK में शामिल थे। अब ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ती तो रही, पर जिन आइडियाज के बारे में 70 साल पहले पेरियार ने बात करी थी उनकी आज भी मान्यता है। ये था पॉलिटिकल इतिहास तमिलनाडु का। अब बात करते हैं BJP के बारे में, और BJP से संबंधित 3 चीजें हैं जिसको तमिल लोग पसंद नहीं करते। पहला, हिंदी। आइडियोलॉजिकली BJP संघ परिवार का हिस्सा है, जो संगठन है राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स का हमारे देश में। इस संगठन के सबसे ऊपर है RSS, और RSS का अल्टीमेट उद्देश्य है हिंदू समाज को ऑर्गेनाइज करना और हिंदू संस्कृति को प्रमोट करना, और इस उद्देश्य की वजह से ही BJP हिंदी को प्रमोट करना चाहता है। इसे भारतीय हिंदू हरीश चंद्र ने कहा था, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। इसे 2014 के इलेक्शन जीतने के बाद BJP ने वन नेशन वन लैंग्वेज पॉलिसी अपनाने की कोशिश करी। अमित शाह ने तो ये तक कहा कि स्टेट्स को एक दूसरे के साथ इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में बात करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ
कि हिंदी को बल देना, हिंदी को प्रचारित करना, हिंदी को प्रसारित करना, हिंदी को संशोधित करना, ये सारी हमारे दायित्व। और 2022 में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई जब हमारे संसद की एक कमेटी ने ये कहा कि सेंट्रल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी यूज होनी चाहिए और सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस का कम्युनिकेशन अब इंग्लिश की बजाय हिंदी में होगा। और कई तमिल्स मानते कि यही चीज से वो लड़ रहे थे 100 साल पहले जब पेरियार ने इस चीज के खिलाफ कांग्रेस के साथ लड़ाई करी थी। इसके साथ ही साथ तमिल्स ये भी मानते हैं कि बीजेपी सरकार तमिल भाषा को इतना महत्व नहीं दे रही जैसे सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, बल्कि दूसरी क्लासिकल भाषाएं जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा या फिर उड़िया पर इतना पैसा नहीं खर्च किया गया। फिर दूसरी समस्या है कि कई तमिल्स ये भी मानते हैं कि सेंट्रल सरकार उनकी स्टेट की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती, और ये चीज वो एक मुद्दे की वजह से नहीं सोचते बल्कि कई मुद्दों की वजह से। जैसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू का स्पोर्ट बैन कर दिया था ये कहकर कि इस चीज से जानवरों का टॉर्चर किया जा रहा है। अब सेंट्रल सरकार ने इस बैन को हटाने की कोशिश करी पर सुप्रीम कोर्ट ने करने नहीं दिया सेंट्रल सरकार को। और कई तमिल्स ये मानते कि बीजेपी की सेंट्रल सरकार ने कोशिश नहीं करी इस चीज को हटाने के लिए। इसके अलावा 2018 में जब तमिलनाडु में साइक्लोन आया था या फिर 2020 में जब तमिल किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, लोग ये मानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जल्दी काम नहीं किया साइक्लोन के एरियाज की देखभाल के लिए और उन्होंने तमिल किसानों से मिलना भी मना कर दिया दिल्ली में। जैसे 40 साल के गणेशन कहते हैं कि हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी फिल्म स्टार्स के मैरिज रिसेप्शन में तो मौजूद थे पर जब हमारे एरिया में साइक्लोन हुआ तब उधर आए नहीं। आखिरी मुद्दा है कास्ट का। अब बीजेपी ने कास्टिज्म के खिलाफ अपनी आवाज तो उठाई है पर 2018 की एक एनालिसिस ने दिखाया कि कैसे 65% बीजेपी लीडर्स अभी भी अपर कास्ट से हैं। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एंटी कास्टिज्म बहुत जरूरी था और ये मुद्दा बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था 1 सितंबर 2017 को जब एक 17 साल की स्टूडेंट एस अनीता की मौत हुई खुद से। एस अनीता एक शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट थी तमिलनाडु से जो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। जब उनके +2 रिजल्ट्स है 2017 में वो बहुत खुश हुई क्योंकि उनके 1200 में से 1176 मार्क्स आए, पर इसके बावजूद उनको एक मेडिकल स्कूल में सीट नहीं मिली क्योंकि मेडिकल सीट्स दी जाती हैं नीट के एग्जाम के बेसिस पर। अब अनीता के पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनको नीट की कोचिंग दे पाए जिसकी वजह से अनीता का नीट के एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा। उन्होंने पब्लिकली बात करी कि कैसे नीट जैसे एग्जाम्स मुश्किलें पैदा करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो गरीब खानदानों से आते हैं। और ये मुद्दा बस तमिलनाडु का नहीं है बल्कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स ने भी इन चीजों के बारे में बात करी है क्योंकि नीट की प्रेपरेशन सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा आसान रहती है जो कोचिंग क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं और अच्छे परिवारों से भी आते हैं। इसलिए वो नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं दिया इस चीज में, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया तमिलनाडु में और कई लोग सोचने लग गए कि बीजेपी उनके खिलाफ है। यहाँ तक कि लोगों ने पीएम मोदी का पुतला भी जलाया। इसके साथ कई तमिल्स ये भी बोलते हैं कि जब बीजेपी सही बातें करती भी है तो उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जल्लीकट्टू के विरोध के दौरान बीजेपी के मिनिस्टर मेनका गांधी ने ये कहा था, टेरिबल फेस्टिवल बी कंसाइंड टू हिस्ट्री, इट इज नॉट गुड एंड द बीजेपी हैज मेनी मेनी मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, दे शुड नॉट Try and get votes just through this. पर दूसरे बीजेपी लीडर्स जिसमें निर्मला सीतारमन भी शामिल थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बैन के खिलाफ लड़ेगी। அதுக்கு எல்லா கட்சிகளும் சப்போர்ட் பண்ணி இதுல ஏதாவது ஒரு சீக்கிரத்துல பண்ணுங்க, ஏன்னா பொங்கல் வந்துட்டு இருக்கு, சீக்கிரத்துல நம்ம முடிவெடுக்கணும். अब आते हैं हिंदी के मुद्दे पर। अमित शाह ने ये बयान दिया कि हिंदी को बल देना, हिंदी को प्रचारित करना, हिंदी को प्रसारित करना, हिंदी को संशोधित करना, ये सारी हमारे दायित्व। जबकि बीजेपी चीफ अन्नामलाई ने कहा कि हिंदी ही क्यों, तमिल भी एक ऐसी भाषा है जो इंडिया की स्टेट्स यूज कर सकती हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। अब जब बीजेपी के लीडर्स ही सहमत नहीं होते कि उनको बोलना क्या है, इस वजह से लोगों का विश्वास भी कम हो जाता है बीजेपी पर। और अगर हम कास्ट की बात करें तो बीजेपी के लीडर्स जरूर अपर कास्ट के हैं, पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि रीसेंट इलेक्शंस में अपर कास्ट ही नहीं बल्कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज भी बीजेपी को भारी मात्रा में वोट दे रहे हैं। पर बीजेपी इन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहती है
इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया के अन्नमलाई को, जो बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पर अपने एग्रेसिव इंटरव्यूज के लिए। वो एक तमिलनाडु की एक प्रभावशाली कास्ट से भी हैं, जिनसे बीजेपी समर्थन चाहता है, और कई लोगों ने बीजेपी की आलोचना करी है कि तमिलनाडु में बीजेपी बस ब्राह्मण्स पर ही फोकस्ड है, दूसरे कास्ट ग्रुप्स पर नहीं। अन्नमलाई को अपना लीडर बनाकर बीजेपी इसी चीज को चेंज करने की कोशिश कर रही है, पर इस चीज का अभी तक परिणाम देखने को नहीं मिला। जैसे रिसेंट लोकल इलेक्शंस में बीजेपी को जीत करीब 2% सीट्स में ही मिली, शायद इसीलिए अब बीजेपी सॉफ्ट ड्रविडिनिज्म को अपना रही है। इनफैक्ट कुछ बीजेपी नेताओं ने पेरियार की तारीफ भी करी है, ये मानो ऐसा है कि बीजेपी के लीडर्स जवाहरलाल नेहरू की तारीफ कर रहे हैं। पर इसी के साथ साथ अन्नमलाई ने बहुत अग्रेसिवली तमिल ब्राह्मण्स के बारे में बात भी करी है। जैसे उन्होंने रिसेंटली कहा कि डीएमके ने ब्राह्मण्स को ऐसे ट्रीट किया है जैसे जूस को ट्रीट किया गया था नाजी जर्मनी में। मेनी प्लेसेस वी हैव सीन ग्रेट नंबर ऑफ तमिल ब्राह्मण्स स्पेशली इन तमिलनाडु Almost like Jews. The Tamil Brahmins of Tamil Nadu, they are literally Jews. अब ये सच है कि कुछ DMK के लीडर्स ने ब्राह्मण्स के खिलाफ वायलेंस को सपोर्ट किया है, पर तमिल ब्राह्मण्स को जूस के साथ कंपेयर करना थोड़ी एग्जैजरेशन है, जिसकी वजह से अभी बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी इतनी क्लियर नहीं है, और इस स्ट्रैटेजी का पॉलिटिकल रिजल्ट्स में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला भी नहीं है। मेरा मानना है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस तमिलनाडु में बस इस चीज पर निर्भर नहीं करता कि उनकी लोकल लीडरशिप क्या कहती है, बल्कि इस चीज पर भी निर्भर करता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कहते हैं, और वही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जैसी पॉलिसी बीजेपी के लिए जरूरी है राजस्थान यूपी बिहार जैसी स्टेट्स में वोट जीतने के लिए, पर इसी स्ट्रैटेजी की वजह से वो तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में मात खा जाते हैं। तो बीजेपी को क्या करना चाहिए? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी देखना। पर ये है बंगाल के बारे में कि बंगाल इतना गरीब है तो फिर ममता बनर्जी इतनी पॉपुलर क्यों है, तो इसको जरूर देखना।